अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ससुराल में सास की नाराजगी समझ आती, लेकिन ससुर का हाथ उठा देना ये तो कोई भी बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सब कुछ हमारे कॉम्पिटिशन में भाग लेने की वजह से हो रहा है, लेकिन हमारे पास क्या रास्ता था? आज पापा जी और अन्नम जी के बीच में जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो मेरे और पापा के बीच में हुआ तुम्हारी वजह से हुआ तो तुम्हें गलत लग रहा पल्लवी। तुमने झूठ बोला, उन्हें गुस्सा आया, यहां तक चीजें जायज थी, लेकिन उनका तुम पे हाथ उठाना वो सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन अन्नम जी, आज जो कुछ भी हुआ ना बहुत गलत हुआ, आप प्लीज सब भूल जाइए और पापा जी से भी अच्छे से बात कीजिए ताकि वो भी सब भूल जाए। प्लीज ट्राई करूंगा। ऐसे जिंदगी भी कमाल की चीज है, इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता। सोचा था मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है तो घर पहुंच के दोनों मिलके अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एनीवेज फ्रेश होके आता हूं। खुशी तो वाकई बहुत बड़ी है अर्णव जी, आपने जिस जॉब के लिए इतनी मेहनत की आपको वही मिली है, सेलिब्रेट करना तो बनता है। वाह बबली, तुम्हारी बहू ने तो कमाल कर दिया, सच में लगता ही नहीं कि तुम उसकी सास हो। देखो जरा, हमका ना जरूरी काम है, हम बाद में बात करते हैं। मम्मी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा बेटा वो पल्लवी को बचाने के लिए आज पापा के खिलाफ खड़ा हो गया, देखा ना तुमने, और पल्लवी ने अर्णव की नौकरी लगवाने में भी मदद की। मम्मी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि पल्लवी चाहती है कि वो तुमसे और इस घर से उसका पीछा छूटे और वो लटक के निकल जाए मुंबई अर्णव के साथ। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हें काहे नहीं दिखाई दे रहा है? आंखें के बटन है। तुम्हारी आंखें भी खराब है, तुमका नहीं ठीक से दिखाई देता, काहे कि केवल तुम अपने मतलब की ही देखती हो। जो गलती तुमने हमारी बेटी होके की ना, वही गलती पल्लवी ने की, उका का बोले हम। तुमका ये भी नहीं समझ में आया ना, ये भी नहीं दिखाई दिया कि पल्लवी ने अपने परिवार के लिए का का चुनाई किया, कौन कौन मुसीबतों का सामना करी है वो लड़की, कितनी बेइज्जती करवा रही है, और एक तुम हो जो हमारी थाली में खा के उसी में छेद किए जा रही हो। अपनी हरकतों पर लगाम दो तुम, पल्लवी के नाक में नकेल कैसी डाली हम देखेंगे। पल्लवी सुनो, ये कहाँ गई? ये ऑफिस के कुछ पेपर्स हैं भाई साहब, इन पर आपके साइन चाहिए थे। वो हमें ना बहुत खुशी हुई भाई साहब, ये देख कर कि आपने पल्लवी जी का साथ दिया।
वैसे आप ना बहुत खुशकिस्मत है कि आपको आपका प्यार मिल गया। प्यार? अर्नव जी को हमारा सरप्राइज पसंद तो आएगा ना? हाँ पल्लवी, तुम हमसे चौथी बार पूछ चुकी हो। सच कहते हैं लोग, प्यार में इंसान दीवाना हो जाता है। हाँ, प्यार तो हम बहुत करते हैं अर्नव जी से, क्योंकि जब कोई आपके पास आए और आपकी धड़कनें बढ़ जाए तो और वो तुमसे थोड़ा भी दूर जाए और तुम्हें उसकी बहुत 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 याद आए तो वही तुम्हारा प्यार है। मेरे सामने कोई मेरी माँ, बहन या किसी भी औरत पे हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर पल्लवी तो मेरी पत्नी है, उसके साथ मैं ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ? जब चेहरे पे बिना लाली लगाए उसका नाम सुनते ही चेहरा लाल हो जाए तो समझो तुम्हें उससे प्यार है। और हम अर्नव जी से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्या अर्नव जी भी हमसे उतना प्यार करते हैं जितना कि हम उनसे करते हैं? भाई साहब, आप कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो हम चलते हैं। थैंक यू। पल्लवी मेरी पत्नी है, इसलिए मैं इस रिश्ते को ईमानदारी से निभा रहा हूं। लेकिन प्यार नहीं, प्यार प्यार नहीं है। मुझे नहीं लगता मुझे उससे प्यार है, अभी तो नहीं है। विदेश यात्रा के पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन एक छोटे से साइड इफेक्ट के साथ। कौन सा साइड इफेक्ट है? वो कहा है ना, पल्लवी कुछ ज्यादा ही महान बन रही है अर्नव की नजरों में। और पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मम्मी की पसंद का खंबा है ना, वो पल्लवी की तरफ ज्यादा झुक रहा है। एक बात बताएं चिन्मय जी, हमको भी ना गुस्सा तुम ही पर आ रहा है। पहले तुमने हमसे ये प्रतियोगिता वाली बात छुपाई, हमसे झूठ बोला। अपने पति से झूठ बोलना सही बात है का? सुनिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं, अभी हमें एक बम फोड़ने जाना है। अरे अब कौन सा बम फोड़? तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? चल जाके सो जा। इधर ना आंटी, उधर चलो। अरे लेकिन मुझे इधर जाना है। अरे चलो ना उधर। हैंड्स अप। ओके बॉस, चल रहे हैं। हैंड्स अप। चल रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। बिट्टू,
एक तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा। जॉब के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू एंड सेम टू यू, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जीतने के लिए। ये आपके लिए। हो मेरे यारा वे, ये ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है तुमका, तो काहे फड़फड़ाए रहे हो तुम? हाँ, ये देखो हम मखाने की खीर खा रहे, हमने मुंह का स्वाद खराब नहीं करना, जो भी बोला झटपट बोलो और निकलो यहाँ। हाँ, तुम यहाँ बैठ के खीर खा रही हो और तुम्हें खिचड़ी पकने की अपनी नाक के नीचे से खुशबू नहीं आ रही? तुम खिचड़ी बना रही हो तो क्या करे, रसोई माँ आए की तुम यहाँ लेकर आ रही हो? मम्मी, हम तुम्हें यहाँ खीर की कटोरी से बाहर निकालना चाह रहे हैं और तुम हो कि खिचड़ी के पतीले में कूड़ी जा रही हो। हम एक खिचड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम साजिश की खिचड़ी की बात कर रहे हैं। साजिश की खिचड़ी? जो रची गई है हमारे पीठ के पीछे। माने? माने पल्लवी उप प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है, ये बात किसी को नहीं पता थी, यहाँ तक कि अर्णव को भी नहीं। लेकिन घर में कोई था मम्मी जिसे पता था, शुरू से पता था। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रहे हो और क्या कह रहे? कौन हो सकता है? प्रियंका होगी। हाँ भाई होगी, काहे कि दोनों जो है सखी सहेलियां बन के घूम रही है ना आजकल। अरे नहीं मम्मी, वो कोई औरत नहीं थी, वो इस घर का मर्द था। मर्द? शिवा। शिवा? हाँ मम्मी शिवा, वो शुरू से जानता था और सब कुछ जानता था मम्मी। शिवा सब जानता था? और उसने फिर भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि हमें लगता है कि उन दोनों के बीच में ना चक्कर चल रहा है। क्या? हाँ, ब्यूटीफुल। तुम्हें पता है पल्लवी, इतना खूबसूरत सरप्राइज मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। थैंक यू। हम तो आपको इससे भी बड़ा सरप्राइज देना चाहते थे। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम आपको देंगे जरूर। इससे भी बड़ा सरप्राइज? आपकी परफेक्ट बाइक, जिसे आप अपने दोस्तों के सामने शान से मिलवा सके, जिसके साथ आपको बाहर जाने में शर्म ना आए, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, अंग्रेजी बोल पाए। यही पिरामिस किया था ना हमने आपसे, इस पिरामिस को हम पूरा करेंगे और आपको सरप्राइज देंगे जल्दी से जल्दी। जवाब दो मुझे पल्लवी, क्या तुम मेरी परफेक्ट वाइफ बन पाओगी? हाँ हम बन सकते हैं, चाहे हमारे लिए कितना मुश्किल क्यों ना हो, चाहे हमें दिन और रात एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम आपको आपकी परफेक्ट वाइफ बनकर दिखाएंगे। I'm sorry पल्लवी, उस दिन मैंने तुम्हें गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। बहुत
अच्छा किया आपने। जो बात आपके दिल में थी आपने जुबान से कह भी दी। आप कह नहीं पाते पर हम समझ नहीं पाते, और हमारे बीच के जो फासले हैं वो और बढ़ जाते। जिंदगी भर साथ रहकर भी हम दोनों के दिल कभी करीब नहीं आ पाते। हम आपका इंतजार करते रह जाते और आप चाहकर भी हमसे प्यार नहीं कर पाते। ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी सबसे बड़ा सपना है कि हम आपकी परफेक्ट वाइफ बनकर दिखाएं, और हमारे लिए आपकी आंखों में प्यार की चमक देखिए। तुमने फोन मा में वो रिचार्ज है, सिग्नल है? अभी के अभी अस्पताल फोन करो, रोग वाहन को बुलाओ, उसमें बैठो और अपने आप को पागलखाने में भर्ती कर दो। सुबह दोपहर शाम बिजली के झटके लगाओ सर पे ताकि तुम ठीक हो जाओ। पगलैट कही की शिवा और पल्लवी दीवानी हो गई हो का? अरे हमका तो लगता है ऐसे घर में खुलम खुला घूम रही हो, ये हमारी सुरक्षा के लिए हानिकारक है। ऐ मम्मी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इधर बैठो। ये बात, इंसान अगर अपनी बात सबसे छुपाता है और अगर किसी सिर्फ एक को बताता हो तो कौन होगा वो? कौन खास होगा और कौन होगा? ये बात। और अगर एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में कोई खास आदमी होगा तो कौन होगा? खास इंसान शादीशुदा वो का पति होगा और कौन होगा? ये बात। तो अर्णव ये बात पहले से जानता था? जानता था कि पल्लवी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली है? नहीं। लेकिन शिवा जानता था, मम्मी शुरू से जानता था, उसे सब पता था। अरे हमने अपनी आंखों से देखा था मम्मी उसको अपनी आंखों से बात करते हुए, शिवा और पल्लवी को। यू पल्लवी ऐसे घूंघट हटा के बात कर रही थी उससे। ऐसे उस रास्ते पर ना थोड़ा खुदाई का काम शुरू हो गया है, इसीलिए साइड चले आए। सुबह तो वही रास्ते से आए थे, कल खुदाई नहीं चल रही थी, अचानक कहाँ से शुरू हो गई? और ये बात तुमका यह बैठे बैठे कैसे पता है? वो अम्मा जी हमारे दोस्त है ना, उसका कॉल आया था तो उसी से हम बातें कर रहे थे तो बातों बातों में बताया उसने, इसलिए साइड से ले आए। अब एक बात बताओ, अर्णव और पापा ने क्या बोला था? बोला था कि इस घर की औरतें इस प्रतियोगिता में कभी हिस्सा नहीं लेंगी, तो पल्लवी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? बताओ कि वो अपने पति और ससुर के खिलाफ जाकर प्रतियोगिता में जाके खड़ी हो गई और लाइन में लग के नाम लिखा के आ गई। वो जो मम्मी तुम हमें पगलेट बोल रही हो, सिबा से हिम्मत आई। सिवा सब कुछ जानता था, उसने हमका कछु नहीं बताया। लगता है शिवा को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ठीक है, आपसे किए गए वादे की पहली कोशिश। ग्रूमिंग क्लासेस का पता किया है हमने तो। ग्रूमिंग क्लासेस होता है पल्लवी? जी वही, ये ग्रूमिंग क्लासेस का फार्म है, हम इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। अर्णव जी, आपका प्यार, आपकी खुशी पाना ही हमारी मंजिल है, और उस मंजिल तक पहुंचने की हमारी पहली कोशिश है, जिसके लिए हम आपकी परमिशन चाहते हैं, आपकी हाँ चाहते हैं, आपकी हाँ है ना अर्णव जी? वेट अ सेकंड, मुंबई ऑफिस से कॉल है। हेलो, यस अर्णव दिस साइड। व्हाट रियली? Thank you so much. Yeah, don't worry. Thank you so much, sir. Pallavi, मुझे उस कंपनी ने एक और असाइनमेंट दिया। और अगर ये वाला असाइनमेंट भी मैंने सक्सेसफुली कर दिया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी पल्लवी, पीछे मुड़ के दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'm so happy. तुम्हें पता है, अब ना मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि पापा के नाम के बिना भी ना मेरी खुद के नाम की भी कुछ पहचान है। Congratulations अर्णव जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है ना? I'm so excited.
अच्छा सुनो, मुझे नीचे जाना है, बहुत सारी प्लानिंग करनी है, तो तुम एक काम करोगी, तुम खाना नीचे ले आओगी, मैं काम करते करते खा लूंगा। थैंक यू। एंड थैंक यू मुझे समझने के लिए एंड मेरा साथ देने के लिए। अर्नब जी, अरे अर्नब जी ने तो हाँ बोला ही नहीं, ये हम कर सकते हैं या नहीं?